नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एनआरजे फाइनेंस पर। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, और साथ में देखेंगे कुछ स्टॉक्स जो कि मंडे को अगर मार्केट बियरिश होता है तो ऐसे में वो काम आ जाएंगे, और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि अगर मंडे को मार्केट बुलिश चलता है तो ऐसे में वो काम आ जाएंगे, उन पे ट्रेड बन सकता है। तो पहले तो एक काम करते हैं, डेली चार्ट पर आते हैं निफ्टी के, और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। कल के वीडियो में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि निफ्टी कल यहां पर क्लोज कर रहा था, तो ये था कि ऑलमोस्ट पहले ये आएगा 9830 का लेवल ब्रेक करेगा, और उसके बाद में फिर ये आएगा 9720 के आसपास में, और फिर उसको ब्रेक करता है तो गैप फिल करेगा आकर के 9550-560 के लेवल तक। कल ये बात हुई थी हमारी वीडियो पर, राइट, जो लोगों ने देखा होगा उनको ऑलरेडी पता होगा। अब दोस्तों आज गैप डाउन ही उसका यहां पर हुआ आया करके, ऑलमोस्ट जो लो बना हुआ है आज की कैंडल का, दैट इज ऑलमोस्ट 9544, यानी 9550 के आसपास पे ओपन हुआ, तो गैप ऑलरेडी फिल हो चुका था। अब वहां से वो लगातार निफ्टी ऊपर गया, एक बार ये वाला जो आप देख रहे हो इस लेवल पे आकर के इसने रेजिस्टेंस फेस किया थोड़ा। अगर इसको हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे आप आओगे तो देखोगे यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया निफ्टी ने, और उसके बाद में निकल पड़ा ऊपर की ओर, और अच्छी एक रैली इसने ऊपर की तरफ दिखा दी। रैली नहीं, इसको आप रिकवरी बोलिए, ये रैली तो नहीं है। तो रीजन था, दो न्यूज थी आज, एक तो जीएसटी को लेकर के, और दूसरी न्यूज थी जो इंटरेस्ट को लेकर के थी बैंक्स के लिए। तो कहीं ना कहीं अब निफ्टी में अगर आप वेटेज देखो फाइनेंशियल स्टॉक्स का सबसे ज्यादा है, राइट, तो ऐसे में जब ये पॉजिटिव न्यूज थी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है निफ्टी को भी अच्छा खासा गेन होना था, और बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी खासी रिकवरी बनाई। अब मंडे की बात कर लेते हैं कि मंडे को क्या चांसेस बन रहे हैं। तो चलिए फिर से डेली चार्ट पे चलते हैं। क्लोजिंग आप देख रहे हो ऑलमोस्ट आई है 9960 के आसपास में, राइट, एक रेजिस्टेंस दोस्तों इस पे लगा है, दैट इज 10,000 का रेजिस्टेंस है इस पर। तो मंडे के लिए जो 10,000 का रेजिस्टेंस है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, और उसके बाद में दूसरा रेजिस्टेंस, अगर आप 10,000 को इग्नोर कर दीजिए, मान लीजिए 30 पॉइंट्स गैप अप होता है, 60 पॉइंट गैप अप, तो कहीं ना कहीं 10,030 का जो होगा वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब 10,030 के ऊपर अगर निफ्टी कंटिन्यू करता है मंडे के दिन सिंगल डे पर, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा आकर के वो 10,120 के आसपास पे, और उसके बाद में 10,180 के आसपास में तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा। अब दोस्तों एक पैटर्न मैंने आज चेक किया चार्ट पर, और ये देखिए कोई टेक्निकल टाइप का पैटर्न नहीं है, और इसमें कोई बहुत बड़ी मतलब रॉकेट साइंस भी नहीं है। एक चीज करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, जरा इस कैंडल पे नजर डालिए, ये 12 मार्च की कैंडल है, मार्केट गिरा था, राइट, उसके बाद में दूसरे दिन मार्केट नीचे आया, ये इसकी ओपनिंग थी, यानी कि 13 मार्च को 8550 के आसपास पे ओपनिंग थी, और पूरे दिन में उसने क्लोजिंग दी जाकर के 365 पॉइंट्स प्लस। ये वही दिन है दोस्तों जिस दिन निफ्टी में एक घंटे का लोअर सर्किट लग गया था, आप लोगों को याद होगा उस दिन ट्रेडिंग रोक दी गई थी एक घंटे के लिए, राइट, ये वही दिन की कैंडल है, उसी दिन की कैंडल है। फिर ये क्लोजिंग ऊपर आई, और ये फ्राइडे का दिन था, ये थर्सडे को मार्केट गिरी, फ्राइडे को और ज्यादा गिरी और रिकवर कर गई, फिर मंडे को जब मार्केट ओपन होती है तो क्या करती है, नीचे आती है, फिर ट्यूजडे, फिर वेंसडे, ये एक सीरीज चली थी, ठीक है, मंडे से लेकर के वेंसडे तक नीचे गया था मार्केट, और उसके पहले वीकेंड के पहले देखिए थर्सडे को गिरा, फिर फ्राइडे को और ज्यादा गिरा और वहां से रिकवर किया। अब दोस्तों यही सिनेरियो जरा यहां पर लगाइए आकर के, ये कैंडल जो आप देख रहे हो ये था कल का, कल थर्सडे को मार्केट गिरा, फ्राइडे को मार्केट नीचे से ओपन हुआ, ऊपर तक गया और फुल बिल्कुल मोरू बोजू जैसी कैंडल बना दी इसने, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये कोई टेक्निकल मतलब एनालिसिस के तौर पे मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर सेम पैटर्न, अगर ऐसा पैटर्न बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने इसके पहले पैटर्न देखा है, तो अगर ये पैटर्न रिपीट हो जाता है तो मंडे को भी आपको दिख सकता है कि नेक्स्ट वीक फिर सेलिंग दिख सकती है आपको, और अगर सेलिंग दिखती है तो नो डाउट एक बार ये मार्केट निफ्टी फिर से अगर ब्रेक करता है 9800 का लेवल, तो फिर 9800 के नीचे 250 पॉइंट मिलेंगे आपको, यानी 9550 तक
250 पॉइंट्स तक का ट्रेड एक दो दिन में हो जाएगा निफ्टी में, और अगर उसके नीचे 8550 के नीचे क्लोजिंग देता है निफ्टी, तो फिर नो डाउट फिर अगले फ्राइडे तक हो सकता है यार 9300-9400 भी देख लो। ये तो था डाउनसाइड की बात, ठीक है। अब डाउनसाइड को सपोर्ट करने के लिए एक डेटा और है हमारे पास, वो है ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन डेटा पे देखोगे आज की पर्टिकुलर आज के दिन की जो फ्रेश पुट राइटिंग है वो है 10 लाख के आसपास पे, इवन आप बोल सकते हैं 10.5 लाख की ऑलमोस्ट पुट राइटिंग, वो बनी है 9400 के लेवल पर। उसके पहले एक और मजबूत सपोर्ट बना हुआ है 9500 के लेवल पे फ्रेश पुट राइटिंग, ठीक। ऊपर अगर आप देखोगे 10100 के लेवल पे अनवाइंड हुआ है पुट। अब ये तो था कि धीरे धीरे जो सपोर्ट है वो नीचे खिसक रहा है 9500 की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये डेटा बताता है। अब इसके बाद में 10000 के लेवल पे आप कॉल राइटिंग, फ्रेश कॉल राइटिंग देखिए 7.3 लाख की है ऑलमोस्ट, और 17 लाख का टोटल, 17 लाख प्लस का टोटल ओआई है, यानी प्रेशर बना हुआ है 10000 के लेवल पे। अब दोस्तों ये जो डेटा है वीकली चार्ट का डेटा है और बहुत तेजी से बदलता है, तो इस पर हम लोग ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आप नेक्स्ट 15 मिनट्स के डिफरेंस पे चेक करते जाते हो किस तरह से डेटा बिल्ड हो रहा है, उस तरह में आपको एक आइडिया लग जाता है कि प्रेशर किधर जा रहा है और लोग अब एक तरह से ट्रेंड क्या बनने वाला है। तो डेटा जो बोलता है, ट्रेंड बोलता है कि नेक्स्ट वीक फिर से निफ्टी 9500 और 9600 के लेवल दिखा सकता है। इसके अलावा अगर मंडे से ये चीजें चेंज होती हैं तो फिर इसको पहले 10000 क्रॉस करना पड़ेगा। 10000 क्रॉस करने के बाद में जो एक अच्छी खासी आपको कॉल राइटिंग यहां पे दिखाई दे रही है वो 10200 के लेवल पे, और उसके बाद में टोटल 15 लाख की आप यहां पर देख सकते हैं कॉल राइटिंग बनी है 10500 के लेवल पे। तो नेक्स्ट वीक का एक फाइनल रेजिस्टेंस इसको नोट कीजिए, दैट इज 10500, सपोर्ट 9500। 1000 पॉइंट का मूवमेंट मैक्सिमम बन सकता है। हाँ अगर अब ज्यादा ही वोलाटाइल होती मार्केट तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है वो 1000 पॉइंट्स के नीचे इसका डांस होना चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली 70% आई एम एक्सपेक्टिंग डाउनसाइड मूव इन निफ्टी। अब चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की, और दूसरी बात देखिए निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लेवल्स देख सकते हो आवरली बेसिस पे 15 मिनट के चार्ट पे, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। अब चलिए एचडीएफसी बैंक को तो आई थिंक छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कल ही इसको डिस्कस किया था और बता दिया था मैंने आपको 960 के आसपास पे इसका एक 960 से 940 एक सपोर्ट बनेगा। हालांकि आज गिरा ही है आकर के ओपन, सारे स्टॉक अब दोस्तों नीचे गिरे थे, तो मुझे लगता है कल मैंने जो जो स्टॉक बोले थे कि नीचे गिरेंगे तो उनको छोड़ देना चाहिए, पुरानी बातें होगी क्योंकि मार्केट ही डाउन था तब तो ऑलरेडी सारे स्टॉक्स डाउन थे, राइट। तो एचडीएफसी बैंक को छोड़िए, लेकिन हाँ इस पे पुट ऑप्शन हम लोगों ने होल्ड किया था काफी दिनों से, ऑलमोस्ट मोर देन 1 वीक हो गया था, उसका टारगेट आज पूरा हो गया। अब चलिए बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की। ये जो स्टॉक है इसको नजर पे रखिए, और ये मैं शॉर्टिंग के लिए प्रिफर करूंगा, अगर मार्केट जो है बियरिश मोड में आता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप गोदरेज प्रॉपर्टी पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 850 का। 835 का करंट मार्केट प्राइस है, मान लीजिए अगर ये ओपन ही डाउन साइड में होता है तो फिर तो आप इसको जो आज की क्लोजिंग है यानी कि ऑलमोस्ट 835 इसी के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखना और इसको शॉर्ट कर देना जब ये 820 का लेवल ब्रेक कर दे, 820 के नीचे इसको शॉर्ट कर देना, तो 820 से आपको 5-10 पॉइंट्स मिल जाएंगे 810 तक, और उसके बाद में दूसरा जो आएगा वो इस पे शॉर्टिंग का लेवल आएगा ऑलमोस्ट 800 का लेवल, यानी 800 का लेवल बन जाएगा गोदरेज प्रॉपर्टी में। हाँ अगर मार्केट गैप अप ओपन करता है और ये स्टॉक भी निकल जाता है किसके 850 के ऊपर, तो फिर ये ऊपर की तरफ आपको अच्छा खासा मूव देगा, और जो रेजिस्टेंस बनेगा आकर के इसमें ऑलमोस्ट 870-870 के आसपास पे रेजिस्टेंस बनेगा। तो सिनेरियो के बेसिस पे आपको देखिए ट्रेड लेना है, बिल्कुल अभी से बैठ नहीं जाना है कि नहीं इस पे अब खरीदना ही खरीदना है या शॉर्ट ही करना है, लेवल्स जो बोलेंगे जो ट्रेंड बोलेगा उस हिसाब से काम लेना रहेगा, राइट। अगर बियरिश है तो फिर एक काम कीजिए, आज की जो इसकी क्लोजिंग थी अगर ये भी गैप डाउन ओपन होता है तो 835 का आप स्टॉप लॉस लगाइए और 820 के नीचे इसको शॉर्ट कर देना,
सीधी सी बात, और 810 और 800 तक का लेवल आ जाएगा। ऊपर की तरफ मार्केट बुलिश चलता है तो स्टॉक में भी खरीदारी दिख सकती है, और इसका जो एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 850, उसके 850 के ऊपर जाता है तो 860 870 तक आपको थोड़ा कमाई करके दे देगा। नेक्स्ट स्टॉक ये है दोस्तों श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो इस पे अगर आप देखोगे ये बुलिश मूव में चल रहा है अच्छा खासा, और अगर मंडे को ये क्रॉस करता है 698 मतलब 700 बनाने के ये चांस दिखा सकता है अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है, तो इसमें शॉर्टिंग का ट्रेड नहीं बनेगा, सेल का ट्रेड नहीं बनेगा, इसपे बाई का ट्रेड जरूर बन सकता है अगर थोड़ा ये गैप डाउन भी ओपन होता और वहां से रिकवरी देता, यानी कि 675 या 670 के आसपास से रिकवरी दे सकता है, तो 670 के आसपास से अगर रिकवरी देता है तो फिर से आप इसको लॉन्ग कर लेंगे 700 के लेवल के लिए, और अगर ऑलमोस्ट गैप अप ओपन होता है 700 के ऊपर तो फिर इस पे ज्यादा लालच मत करिएगा, 10 पॉइंट्स बुक करके 10 या 15 पॉइंट्स इंट्राडे में वहां से आप निकल जाइएगा। पोजिशनल ट्रेड हाँ इस पे एक अच्छा खासा बन सकता है, जो पोजिशनल ट्रेड बनेगा वो सीधा सीधा 800 का बनेगा दोस्तों। तो अगर थोड़ा गैप डाउन जाता है आप इस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो 611 का, और इसको पोजिशनल बाई कर सकते हो गैप डाउन पर थोड़ा, और बाई करके 800 के लेवल के लिए इसको कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट है एशियन पेंट। एशियन पेंट से याद आया दोस्तों, अगर आप लोगों को व्हाट्सएप लिस्ट में ऐड होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो वहां आप फ्री में ऐड हो सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली फ्री, और उसके लिए भी आपको 1 रुपए देना नहीं है। फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए एंजल ब्रोकिंग में और उस पर ट्रेड कीजिए, और वो जो अकाउंट ओपन करोगे आप मेरा लिंक यूज करके करेंगे तो, और ये जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप अगर अकाउंट ओपन करते हो तो आपको WhatsApp ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और बाकी यहाँ के जो बेनिफिट्स हैं पोजिशनल ट्रेड्स हो गया, साथ में स्टॉक डिस्कशन हो गया, कुछ लर्निंग्स हो गई, ट्रेनिंग वीडियोस हो गए, सारी चीजें आपको वहां पर फ्री मिलेंगी। और इसके साथ में आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा, जब आप लिंक पे क्लिक करते हो तो वहां पे आपको रेफरल कोड जो दिखता है वो NRNEX दिखना चाहिए, ताकि कन्फर्म हो जाए कि आप मेरे रेफरल लिंक से ही अकाउंट ओपन कर रहे हो। फिर उसके बाद में चलिए एशियन पेंट्स को उठाते हैं। एशियन पेंट्स शॉर्ट के लिए है, बियरिश मूव में मेरे लिए अभी भी है, और जब तक कि एशियन पेंट्स देखिए 1660 का लेवल क्रॉस नहीं कर जाता ऊपर की तरफ, तब तक ये मेरे लिए बियरिश मोड में ही रहेगा। और अगर अगर कल एशियन पेंट्स लेवल ब्रेक करता है 1620 का, 1620 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 1600 के लिए बिल्कुल इसको चुटकी बजा के शॉर्ट कर दीजिएगा, आपको इजिली 15 to 20 पॉइंट्स नीचे की तरफ मिल जाएंगे एशियन पेंट्स में। फिर नेक्स्ट है बंधन बैंक। बंधन बैंक आज मैं ट्रेड जो था ये टेलीग्राम पे अपडेट करने वाला था, भूल गया, बाद में टाइम नहीं मिला, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे गया दोस्तों ये, और 270 के पास में दिया था, वहां से ऑलमोस्ट 282 निकल गया, तो इसका तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन हाँ बुलिश ट्रेड बुलिश व्यू में है। अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहता है, मार्केट पॉजिटिव चलता है मंडे को, तो ये चौंका सकता है। इसमें फ्रेश ट्रेड जो बनेगा वो क्लोजिंग 282 की है, 285 के ऊपर जब ये निकलता है बंधन बैंक, तो फिर आप इस पे 5 पॉइंट्स का 3 to 5 पॉइंट्स बना लीजिएगा इंट्राडे में, और उसके बाद में अगर 290 क्रॉस कर जाता है तो फिर एक ये बड़ा मूव दे सकता है, वो ऑलमोस्ट आप ये समझ के चलिए कि इंट्राडे में आपको ऑलमोस्ट 295 से 300 तक के मूव दे सकता है, और प्लस पोजिशनल अगर होल्ड करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 320 तक के लेवल दिखा सकता है बंधन बैंक, इस पे नजर रखिएगा। और इनकेस अगर आप इस पे लॉन्ग करते हो 285 का, तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा आप अपना ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस इसमें 276 का स्टॉप लॉस रख करके कीजिएगा, और थोड़ा अगर आपको सेफ खेलना तो जो आज की क्लोजिंग है यानी 282 की क्लोजिंग है उसको स्टॉप लॉस बना लेना। नेक्स्ट स्टॉक है MFSL, ये भी बुलिश मार्केट के लिए, अगर मार्केट बुलिश चलता है तो MFSL 500 आपको बना के दे सकता है, और 500 के ऊपर अगर क्लोजिंग देने लगे कल मार्केट एंड में, यानी मंडे को मार्केट एंड होते समय क्लोजिंग के टाइम पे, तो इसको आप ऐड कर सकते हो, BTST ट्रेड ले सकते हो, इस पे ऑलमोस्ट 520 तक के लेवल दिखा सकता है MFSL। अदरवाइज अगर ये कल कंटिन्यू नहीं करता यहां से, इस पे अच्छा एक चीज और है, फ्रेश ट्रेड आप इस पे जो लेंगे इंट्राडे उसको प्रिफर कीजिएगा 493 के ऊपर आप ट्रेड बना रहे हो, ठीक है, 493 के ऊपर ही ट्रेड बनाना इंट्राडे में, अदरवाइज इसको मत लेना। फिर PL अपोलो हॉस्पिटल काफी स्टॉक्स हैं दोस्तों, तो देखते हैं, टाइम भी ज्यादा हो रहा है।
अगर दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो चैनल का नाम है एनआरजे स्पेस फाइनेंस, आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो। आज कुछ स्टॉक्स अगर मुझसे छूट भी जाते हैं तो मैं उनकी चार्ट एनालिसिस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, प्लस ट्विटर पे अगर आप हैं, टेलीग्राम पे नहीं है तो आप ट्विटर पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हो वीके एनआरजे, वहां भी आपको ट्रेड मिल जाएंगे और चार्ट मिल जाएंगे। अगर ट्विटर का आप देखते हो, देखिए ये कल रात में ही चार्ट डाला था आईजीएल का, और आईजीएल ने आज एक अच्छी खासी देखिए एक री एंट्री दी थी 460-462 पे राइट, और वहां से री एंट्री लेके ऑलमोस्ट हमें आज 480 प्लस का दिखाया और 500 भी इस पे दिख सकता है। तो आईजीएल पे नजर रखिए, 500 से लेकर के 520 तक अगर मार्केट बुलिश चलता है तो ये स्टॉक बना के देगा आपको। तो अब चलिए अपोलो हॉस्पिटल पे आते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में दोस्तों अगर ये लेवल ब्रेक कर दे 1410 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो फिर इस पे आराम से आप मतलब 10-15 पॉइंट्स का ट्रेड और बना लेना। अदरवाइज अगर ये यहीं से डाउन जाता है तो फिर एक ये दिक्कत का काम होगा। तो अपोलो हॉस्पिटल पे आप एक काम कीजिएगा, 1410 के ऊपर फ्रेश इंट्राडे बनाओ, 10-15 पॉइंट्स बुक करो, उसके बाद में एग्जिट मार दो, ठीक है। अगर ये डाउन साइड में आता है तो डाउन साइड में इसको शॉर्ट तब तक ना करना जब तक कि ये जो लेवल है 1370 का लेवल ना ब्रेक कर दे डाउन साइड में। और मैं तो बोलूंगा दोस्तों आप अवॉइड ही कर दो इसको शॉर्ट करना, लेकिन आप मार्केट अगर बियरिश है तो 1370 के आसपास पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, और नेक्स्ट आप इसको बुक कर लोगे ऑलमोस्ट 1350 के आसपास में बुक कर लोगे 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टॉक है PEL, ये भी दोस्तों बियरिश मोड में ही है अभी भी मेरे लिए, और अगर ये थोड़ा गैप अप ओपन भी होता है तो वेट कीजिएगा 1070-1075 यानी 1075 के आसपास से ये शॉर्ट करने लायक हो जाएगा। और अगर 1075 पे आप इसको शॉर्ट कर रहे हो तो इस पे स्टॉप लॉस अपना रख लेना ऑलमोस्ट 1080 का, 5 पॉइंट्स का बस स्टॉप लॉस रखना और नीचे की तरफ इसको शॉर्ट कर देना, ऑलमोस्ट इस पे आपको 20 पॉइंट्स इंट्राडे पे मिल जाएंगे। लेकिन ओपनिंग का वेट करना जरा, अगर ओपनिंग ही इसकी निकलती है 1072 के ऊपर तो फिर अवॉइड कर दीजिएगा इसको शॉर्ट करना, उस केस में फिर आप इसको लॉन्ग कर सकते हो आगे की तरफ 10 पॉइंट्स के लिए। तो दोनों लेवल मैटर करता है, देखिए फिर मैं वही बात बोलूंगा, अगर स्टॉक ओपन होता है 1072 के ऊपर निकलता है तो इसको आप लॉन्ग कर लेना, ऊपर की तरफ 10 पॉइंट्स बुक कर लेना इंट्राडे में, ठीक है। और अगर ये स्टॉक थोड़ा गैप डाउन होता है तो वेट करना, अगर ये स्टॉक ब्रेक कर देता है लेवल ऑलमोस्ट 1057 का है राइट, तो ये अगर 1070 के ऊपर जाता है तो आप इसको लॉन्ग करेंगे, और जब ये यहाँ का यानी कि ऑलमोस्ट 1020 को ये ब्रेक करता है तो फिर इसको 1000 के लेवल के लिए आप इसको शॉर्ट कर देंगे। ओवरऑल ये मेरे लिए देखिए बियरिश ही रहेगा, ऐसे ऐसे भी सिनेरियो आपको दिख सकते हैं पीईएल में कि 1070 के आसपास में आएगा, वहां से फिर नीचे गिर सकता है, तो ये भी नजर रखिएगा, इसको पोजिशनल अवॉइड करना है कुल मिला करके। नेक्स्ट स्टॉक है जील, जील की अगर बात करें बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न मिला है इस पे, तो जील आपको एक पूरे वीक के लिए मैं पोजिशनल बाई बोलूंगा इसको, इसको कहीं ना कहीं आप ऐड कर सकते हैं। पहला लेवल है 160-163 के आसपास पे अगर मिल जाता है तो इस स्टॉक को ऐड कर लो। करंट मार्केट प्राइस में भी अगर आप ऐड करते हो, थोड़ा गैप अप ओपन होता है सपोज 171 के आसपास में ओपन होता है तो भी आप इसको ऐड कर सकते हो, ऐड करके आप इसको होल्ड करो दोस्तों। वन वीक के अंदर ये आपको अच्छा खासा मूव दिखा सकता है ऊपर की तरफ 200 के लिए, लेकिन अगर आपने ऑलमोस्ट 170 के पास में इसको होल्ड किया और ये क्लोज कर रहा है स्टॉक 162 के नीचे तो फिर इसको एग्जिट भी कर जाना, और री एंट्री जो जील पे बनेगी फिर वो सीधे सीधे 146 के आसपास पे बनेगी आकर के, तो उस लेवल का वेट करना। ओवरऑल ये स्टॉक बुलिश है मैं पहले ही बता देता हूं, लोअर लेवल पे भी मान लीजिए एक मैं बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, 50 स्टॉक आपने ऐड किए 170 के लेवल पे, और उसके बाद में जील अगर थोड़ा और नीचे गिरता है तो आपने 150 के आसपास पे 50 और एवरेज कर लिए राइट। अब उसके बाद में आप इसको होल्ड करोगे ऑलमोस्ट 146 का स्टॉप लॉस लगा करके, तो ये स्टॉक रिवर्स गियर में जब आएगा तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे के जाएगा। तो ये तो एक रेयर चांस है
कि मार्केट, ये तभी पॉसिबल होगा जब मार्केट बियरिश जाती है, तो उस केस में जील भी फिर परफॉर्म नहीं कर पाएगा और नीचे आता जाएगा। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर चलती है तो जील में कहीं ना कहीं चांस बनेंगे यहां से रिवर्सल के, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बोल देता हूं, पहला बाई जोन है हमारा ऑलमोस्ट 168 से 170 के बीच का, और दूसरा बाई जोन जो है वो 148 से 150 के बीच का है। तो इन इन दोनों जोन पे इसको बाई कीजिए, और 1 और 2 वीक में अगर मार्केट देखिए फ्लैट रहता है, थोड़ा ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये स्टॉक आपको फिर से एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे के जाएगा ऊपर की तरफ 200 के लेवल पर। ठीक, अब अगर मार्केट डाउन जाता है तो फिर इसमें आप 146 का स्टॉप लॉस लगा करके या तो निकल जाइए, या तो फिर इसको होल्ड करना 2 से 3 महीने के लिए, क्योंकि अगली रिकवरी जब आएगी, अब देखिए मार्च वाली रिकवरी थी 1-2 महीने के बाद में, अगर आप मई का सेशन देखो रिकवरी करता गया, राइट, और उसके बाद में जून में अगर थोड़ा बहुत गिरावट आती भी है तो उसके बाद में फिर से एक रिकवरी आएगी, तो उस पर ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी स्टॉक को आप होल्ड कर रहे हो अगर 2-3 वीक के लिए या फिर 1-2 महीने के लिए, तो आपको वो आपका जो देखिए पैसा लगा था वो निकलवा के जरूर जाएगा। तो अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में दोस्तों जब हम लोग देख रहे हैं इसका चार्ट, ये जो एक लेवल था ऑलमोस्ट 20,500 फिर 20,300, उसको गैप डाउन ही ओपन हुआ था तो वो सारे लेवल किनारे चले गए। 9,500 के आसपास में देखिए इसने ओपन किया, वहां से कंटिन्यू ऊपर आया है। अभी जो पहले इसका सपोर्ट था 20,500, अब वही इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 20,500 से 20,600 की रेंज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या था, 20,700। अब 700 को अगर बैंक निफ्टी और क्रॉस कर लेता है तो फिर 20,900 और उसके बाद में 21,000 ऑलमोस्ट 160 या फिर आप बोल सकते हो 21,200 का जो लेवल होगा वो अगला रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंकिंग स्टॉक्स में हो सकता है कि मंडे आपको खरीदारी और दिखे, और ऐसा दोस्तों होता है तो फिर नो डाउट बैंक निफ्टी फिर से 21,200 और 21,500 दिखा सकता है। लेकिन दूसरा सिनेरियो, अगर खरीदारी और जो मैंने जैसा कि निफ्टी में आपको पैटर्न दिखाया था ये वाला और ये वाला, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो फिर नो डाउट फिर वेट कर लेना, और वेट आपको करना रहेगा ऑलमोस्ट देखिए 20,300 के लेवल के ब्रेक होने का। अगर 20,300 को ये ब्रेक कर देता है तो फिर 20,000 के लिए आप इसको 300 पॉइंट्स के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हो, और वहां से भी लेवल ब्रेक करवाता है तो फिर 9,700 और 9,500 तक के लेवल फिर से दिख सकते हैं नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में। अब दोस्तों रिलायंस को बाद में डिस्कस करते हैं, रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक में आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक भी एक रिकवरी चाहता है, एचडीएफसी बैंक अच्छा खासा कूटा गया है उसके बाद में रिकवर होकर के आया है काफी दिन से, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक का चार्ट मैं इसका मैं एक चार्ट डाल दूंगा टेलीग्राम पे, फिर उस पर एक चीज मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, आज मैंने पैटर्न देखा था उसका। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे कोटक बैंक गिरा जरूर है, लेकिन इस पे भी अपने सपोर्ट के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। अगर एक बार 1300 का लेवल क्रॉस कर जाता है कोटक बैंक तो ये बैंक निफ्टी को और ज्यादा पावर दे देगा। एक्सिस बैंक भी 400 के ऊपर स्ट्रांग है, एक बार अगर 420 के ऊपर निकल जाता है 420 के ऊपर तो फिर नो डाउट एक्सिस बैंक भी एक अच्छा खासा जिम्मेदार बिल्कुल स्टॉक की तरह काम करेगा और बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। उसके बाद में अगर एसबीआई कैनरा बैंक चल गए तो फिर अच्छी बात है। तो दोस्तों इस तरह से बैंकिंग सेक्टर जो है अच्छा खासा रिकवर करने के प्लान में रहेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।